नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बाजरा के मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाजरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेन है। यह प्रोटीन, आयरन और फाइबर का ज़बरदस्त स्रोत है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बाजरे की मटरी बनाने के लिए हमने एक कप बाजरे का आटा लिया है और इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अजवाइन को हथेलियों में क्रश करके डाल रहे हैं और 2 टीस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों में रगड़ करके डाल लेंगे। अजवाइन और कसूरी मेथी को हथेलियों में रगड़ लेने से इसका फ्लेवर उभर कर आता है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करते हैं और सभी चीज़ों को खूब अच्छे से हथेलियों से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो घी है वह आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम मुट्ठी बांध कर देख रहे हैं तो आटे की मुट्ठी नहीं बन रही है। और 2 टेबलस्पून घी डाल करके हमने फिर से अच्छे से मिक्स किया और इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं। तो अब इसकी मुट्ठी बंध रही है, यानी कि अब हमारा मोइन परफेक्ट है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को इकट्ठा कर लेंगे। हमें इसे गूंथना नहीं है, केवल हमें इसे बाइंड करना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए आटा को इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसे आधे घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे। और हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आधे घंटे बाद हमारा डो रेस्ट कर चुका है और यह सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं और इसको थोड़ा सा चिकना बॉल बनाते हुए इसे लंबाई में बढ़ा लेते हैं और चाकू से हम इसको एक बराबर भागों में इसके पेड़े काट लेंगे ताकि सभी मटरियाँ एक बराबर बने। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अब हम एक एक टिक्की लेंगे और हथेलियों में हल्का सा इसे शेप देंगे मटरी का और इस पर अंगूठे से हल्का सा दबा देंगे और अच्छे से अंदर तक फ्राई हो इसके लिए हम सभी मटरियों में फॉर्क से थोड़ा सा पिक कर देंगे, जिससे हमारी सभी मटरी अच्छे से क्रिस्पी बनेगी और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको यह बाजरे की मटरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम मटरी को सेप दे रहे हैं तब तक हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें मटरी मीडियम फ्लेम पे और मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई करना है, जिससे यह धीरे धीरे आराम से अंदर तक कुक हो पाए। अगर हम जल्दबाजी में से तेज आंच पे पकाएंगे तो यह ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से यह क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। सभी मटरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और हम और कढ़ाई में हमारा ऑयल भी परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो हम थोड़ा सा डो डाल करके कढ़ाई में चेक कर लेते हैं। इसमें हल्का सा बुलबुला उठ रहा है, यानी कि हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके मटरी डाल देते हैं। एक बार में हम उतना ही मटरी डालेंगे जितना कि कढ़ाई में एडजस्ट हो सके। मटरी डालने के बाद हम इसे तुरंत नहीं चलाएंगे, नहीं तो मटरी टूट जाएगी। कुछ देर हम इसे सेट होने देते हैं, नीचे से हल्का सा सेट हो जाता है तब हम इसे एक स्पून की हेल्प से पलट देते हैं। कलछी से चलाने से दूसरी मटरियां टूट जाती हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मटरियों को उलटते पलटते हुए अच्छा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारी मटरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं
और अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे रख लेते हैं ताकि जो भी इसमें कुछ ऑयल हो वह निकल जाए और हमारी मटरी बहुत ही आसानी से बहुत ही कम वक्त में फटाफट से बन करके तैयार हुई है। यह बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी और यम्मी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।